समोसे 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 स्क्रीन एंड प्रोजेक्टर लगाओ। अब इसे ऑन करते हैं। चुप जाओ। समोसे समोसे। मोटू बेटा। कौन कौन बोला? पापा आप। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। हिम्मत से काम लो मोटू बेटा और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शहर के बाहर के ओपन प्लॉट में एक मकान बनवाना चाहता था लेकिन कभी बना नहीं पाया। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे बेटा? हाँ पापा जरूर करूँगा, लेकिन वो शहर के बाहर है कहाँ? उसका नक्शा तुम्हारे बॉक्स में रखा है। वो जमीन खरीदने के लिए अपने सारे पैसे लगा देना बेटा। जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों के घर के कागजात भी रख देना और बंगला बनाने के लिए अपना ये घर भी बेच देना। मोटू बेटा लेकिन मेरा ये सपना पूरा जरूर करना। क्या तुम ये सपना पूरा करोगे बेटे? जरूर करूँगा पापा। बस अब मेरे दिल को तसल्ली मिल गई बेटा। अब मैं चलता हूँ बेटा। पापा बाबूजी। अरे ये कौन आधी रात को मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा है? पतलू मेरे सपने में मेरे पापा आए थे। वो शहर के बाहर एक प्लॉट पे बंगला बनाना चाहते थे। उस जमीन का नक्शा हमारे घर के संदूक में है। मैं अभी दिखाता हूँ अभी। मोटू कहा गया। अरे मोटू क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम अभी भी नींद में ही लग रहे हो। अरे पतलू मैं नींद में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अब नींद से जागा हूँ। ये देखो जमीन का नक्शा। मुझे इस जमीन पर पापा के सपनों का बंगला बनवाना है। बंगला। अरे मोटू ये नक्शा हमारे संदूक में कैसे आया? जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2 अब देखना कैसे ये एक नक्शा मोटू के जीवन की दिशा और हमारी दशा बदल देगा। पापा मैंने जमीन ढूंढ ली है पापा। ए भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम दूधिया पहलवान है और ये जमीन मेरी है मेरी। चलो निकलो यहाँ से। जानता हूँ बड़े भैया जानता हूँ, पर मुझे ये जमीन चाहिए। तुम मुझे ये जमीन कितने में बेचोगे? हाँ